स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालपुर स्थित, जहाँ मैं बता दूँ कि बारिश के मौसम आते ही रोड की स्थिति समझ में नहीं आती कि रोड में गड्ढा है या फिर गड्ढे में रोड है। कई ऐसी दुर्घटित संभावना भी हो जाती है जिसको लेकर के लोग काफ़ी गड्ढे में गिरते नज़र आते हैं। कई नुकसान भी जो होती है लोगों को होती है, लेकिन वही मैं बता दूं कि रात भर में ही सबसे बड़े गड्ढे को डस्ट के द्वारा भरा गया, जिसको लेके बता दूं डस्ट भरने से पहले जो है लोगों की बड़ी गाड़ियां जो है गड्ढे में चली गई। जी हाँ, ये आप जो सड़क देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से, ये सड़क नहीं थी, ये गड्ढे पे ही सड़क थी, जिसमें रात में अचानक हादसा हुआ कि गाड़ी जो थी वो गड्ढे पे चली गई और रातों रात जो है इसे भर दिया गया। आप साफ तौर पर यहाँ देखेंगे कि अब भी जो है यहाँ पे डस्ट पानी से उबलता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर भरपूर यहाँ बारिश होती तो फिर से जो वो गड्ढा है एक बार नज़र आएगा। लेकिन दूसरी ओर मैं आपको एक बार और दिखाऊँ, ये तो सड़क में गड्ढे थे इसलिए इसे भर दिया गया, लेकिन दूसरी ओर आप और देख सकते हैं कि किस तरह से पोल खुट्टे जो है गिरे नज़र आ रहे हैं, बड़ी नालियाँ जो है उस तरह से ध्वस्त नज़र आ रही है, जिसमें किसी भी तरह की दुर्घटना जो है घट सकती है, जिसको लेकर के राष्ट्रीय युवा मंच के लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जिसका विरोध जो है लगातार करते नज़र आ रहे हैं। हम उनसे सीधे तौर पर जुड़ेंगे और बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आज आप लोग इस चीज़ों का विरोध कर रहे हैं कि बारिश के समय रोड में गड्ढा हो या गड्ढे में रोड हो, ये एकदम साफ तौर पर नज़र आता है। देखिए, अभी लगन का समय चल रहा है, आज 12 तारीख काफ़ी लगन है जी, तो शादी के दिन तैयारी किया जाता है कि शादी का तैयारी 6 महीना पहले से होता है। बिल्कुल पहले जब लोगों को पता है कि बरसात में रांची का स्थिति बुरा हो रहा है, जब से ये ड्रेनेज बना है तब से रांची की सड़कों पे पानी सड़क पे आ रही है, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। गर्मी के दिन में इसी सर्कुलर रोड में जो पाइपलाइन इंस्टॉल किया गया है उसे कंक्रीट में बालू की जगह डस्ट डाला गया है। आप सोचिए डस्ट कितना टिकेगा, पूरा गर्मी लोग यहाँ का लोग डस्ट खाएं, रास्ता में चलने वाले लोग डस्ट खाएं। जब कल पहला बरसात आया एक बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर हो गया, तो यहाँ के स्थानीय लोग और हमारे संगठन के साथी के द्वारा इसे तत्काल, उस दो आदमी इसके अंदर घुस गए क्योंकि लेवल पानी या रोड का लेवल बराबर था, दो लोग घुस गए, तो स्थानीय लोग उसको निकाले हैं और निकालने के बाद उसको यहाँ चारों तरफ घेरे हैं। अब मेरे राइट साइड में आप देख रहे होंगे आदमी लोग पैदल चलने वाले फुटपाथ पे चलता है। अब सोचिए राइट साइड का स्थिति क्या है, फुटपाथ में जो चलने आएगा तो पता चलेगा नहीं, डायरेक्ट अंदर घुस जाएगा। आज पूरे रांची की कम बेस यही स्थिति है, और ख़ास करके जुटको कंपनी के द्वारा रांची में जो हरमू नदी का कार्य हुआ था, जो 92 करोड़ का जो योजना था, आज रांची जो हरमू नदी है उसकी स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। वही जुटको कंपनी ये भी काम कर रहा है, आज पूरा रांची में गड्ढों का शहर बन गया है, गड्ढों का शहर बन गया है। और एक जिम्मेदार प्रहरी होने के नाते हम लोग यहाँ पर कल ही घोषणा किए थे। लेकिन उत्तम जी, बीच में मैं सवाल करूँगी आपसे कि किसको जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़ का? देखिए, जब हम अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमें उस काम का टेंडर देना नहीं चाहिए था। जुटको का अनुभव पूरे रांची के लोगों को है, यहाँ के माननीय लोगों को भी है, सरकारें को भी हैं कि यही जुट को हरमू नदी का क्या हालत किया था। 92 करोड़ का योजना लगता है, 92 लाख भी खर्चा नहीं हुआ, और आज जो पाइपलाइन बिछ रहा उसी कंपनी को दिया गया। आज पूरे शहर कर्मबेश भ्रमण कीजिए तो यही स्थिति मिलेगा। शासक अगर कमज़ोर हो तो शासन नहीं चल सकता है, हमारा शासक ही कमज़ोर है। लोग कमीशन में बिक जा रहे हैं, यहाँ के माननीय जो लंबे समय से रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ कमीशन से मतलब है। जगह जगह शहर में आपको अलग अलग फेस्टिवल का बोर्ड दिखेगा, लेकिन कभी ये नहीं देखिएगा कि उन लोगों को सड़क में आके रांची की समस्या को लेकर उन लोगों को प्रयास करें कि नहीं रांची सुंदर कैसे हो। आज दूसरे राज्य के लोग रांची में आते हैं ना, तो उनका यही अनुभव होता है कि रांची में ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, और गड्ढों का शहर है। अब सोचिए रांची को, जिस रांची को प्रकृति ने इतना खूबसूरत बनाया है, अब हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइएगा, लेकिन अगर जो रांची आता है कहता है यहाँ का गर्मी हो, यहाँ का ठंड हो, सारा चीज़ प्रकृति ने कितना सुंदर दिया है, और उस सुंदर शहर को किस तरह यहाँ के माननीय लोगों ने नरक बनाने का प्रयास किया है, इसलिए आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। जल्द बड़ी संख्या में विरोध कर रहे हैं सारे समस्या, पूरे शहर में जल जमाव है, पाइपलाइन बिछाने के नाम पे बड़ा घपला हुआ है, लोग परेशान हैं, गड्ढे का शहर है। देखिए,
यहाँ के स्थानीय जो लंबे समय से माननीय रहे हैं वो भी दोषी हैं, सेकेंड रनर रहे हैं वो भी दोषी हैं, जो सरकारें हैं वो भी दोषी हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है और हमारी बात अगर नहीं सुनी गई तो बहुत जल्द हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट में हम लोग पीआईएल करेंगे, क्योंकि रांची का बदनामी हो रहा है, वो हमारा शहर पे उंगली उठाएगा या बर्दाश्त नहीं है, यह माननीय तो जैसे कि आपने सुना कि अगर इनकी बातों पर गौर नहीं किया जाता है तो ये लोग हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने को तैयार है। वैसे हम यहाँ के आसपास के लोगों से भी जुड़ेंगे और बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। आए दिन आप यहाँ पे दुर्घटना देखते हैं, किस तरह की बातें जो होती निकल के सामने आती, क्योंकि अचानक कल दो आदमी गड्ढे में गिर गए और रातों रात फिर उस गड्ढे को भी भर दिया गया। थोड़ा सा गिरा था, गड्ढा हो गया था, उसके बगल बगल का सब भेज दिया गया था, उसके बाद सब जुड़को वाला आए, उसके बाद गड्ढा भर दिए, और तो क्या देखते। दुकान के सामने एक भाई साहब भी जुड़ चुके हैं, जहां आप देख सकते हैं कि उनके दुकान के जस्ट सामने जो है गड्ढा कितना बड़ा बना हुआ है, किसी भी तरह की दुर्घटना जो है अचानक यहां पे हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर मैं बता दूं कि बारिश अगर जोरदार हो तो यहां से पानी उभर के बाहर भी आने लगता होगा, किस तरह की दिक्कतें होती है। बहुत सारा दिक्कतें होती है, ऐसा नहीं है यहां पे दुर्घटना हो चुका है, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम है, एक स्कूटी भी गया है और एक कार का भी एक पहिया एक साइड हो गया था वहाँ पे भी हुआ है, और प्लस की यहाँ पे पूरा पानी जब बारिश होती है तो पूरा पानी जाम हो जाता है, यहाँ यहाँ तक आ जाता है पानी आता है, इतनी दिक्कतें, दुर्घटना घटने की संभावना पूरी होती है, संभावना है और डर लगता है कभी। हाँ डर लगता है, क्यों नहीं, मेरे साथ हो या ना हो पब्लिक के साथ तो जरूर होता है। जी आप लोग पास में तो सतर्क रहते हैं। जी हम लोग को आइडिया है, शिकायत आप लोगों ने की है। शिकायत हुआ है, बहुत बारी हुआ है, दो तीन बारी हुआ है, लेकिन गौर नहीं किया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी जुड़ चुके हैं, हम उन युवाओं से भी जुड़ेंगे और साफ तौर पर बात करेंगे। आप एक युवा है, शहर की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छे से समझते हैं, क्या लगता है ये जो शहरों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और लालपुर जो है झारखंड की राजधानी रांची स्थित लालपुर जो है उसकी स्थिति ये देखने को मिल रही है कि रात बिरात में लोग जो है गड्ढे में चले जा रहे हैं, बरसात आते ही ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, बरसात अभी पूरी तरह आया नहीं और ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैम बताना चाहेंगे कि ये राजधानी रांची का हाल ऐसा है, तो झारखंड की राजधानी अगर ऐसे होती है तो फिर और लोग क्या देखेंगे और क्या सोचेंगे कि राजधानी का ऐसा हाल है। आए दिनों हम देखते हैं कि ये जो बगल में आपकी नाली है यहाँ पे दुर्घटना होते रहती है, और ये तो अभी कुछ दिन पहले हुआ है गड्ढा उड्ढा, तो इस वजह से दो तीन गाड़ियाँ यहाँ पे घुस चुकी है, ऐसा देखने को लगातार हम लोग को इन दिनों मिल रहा है यहाँ। लेकिन देखिए आप यहाँ पे अभी तक गड्ढे को दबा दिया गया है पूरा, ये तो मैम कल रात में हुआ है, जब दो टेम्पो घुस गया उसके बाद निकला उसके बाद हुआ है, ऐसा प्रशासन है यहाँ का, ये जब वहाँ पे गाड़ी घुसा फिर निकला फिर उसके बाद वहाँ पे पैक किया गया, वो भी रात में आपका 9:30 बजे जैसा। जी यहाँ की युवाओं का कहना है कि जिस तरह से जब हादसा हो जाता है उसके बाद वहाँ की व्यवस्था जो है बदली जाती है, विधि सुधार भी किया जाता है। दूसरी ओर घर के जस्ट सामने में आपकी व्यवस्था दिखाएंगे कि किस तरह से टूटी फूटी नालियाँ जो है नज़र आ रही, बड़े बड़े गड्ढे जो है वो नज़र आ रहे हैं, पानी ढीला हुआ जो है, पानी भरा भरा पानी जो है नज़र आ रहा है। दूसरी ओर हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि वो एक नज़र उन नालियों की ओर भी करें कि निकल करके पानी जो है नालियों से बाहर निकलता आ रहा है और लोगों की समस्याओं का कारण भी बन रहा है। आप यहाँ साफ तौर पे विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि लोगों की ये बिल्कुल आने जाने की जगह है या गैरेज है, सामने एक रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह है, लेकिन उसके सामने की स्थिति आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये नालियों से पानी जो है वो निकल कर के सामने आ रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बिल्कुल यहाँ पे समस्या ही समस्या है पर समस्याओं का निदान नहीं है, बिल्कुल आप देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर स्थित, जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था निकल कर के सामने आई, रात में अचानक जो है दो ऑटो जो है गड्ढे में चली जाती है, उसके बाद रातों रात इस गड्ढे को भर दिया जाता है, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया। आप देखने वाली बात ये है कि अभी तो ये शुरुआत है, इसके अंत का नज़ारा क्या कुछ निकल के सामने आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ, अपने सहयोगी विशाल के साथ, मैं नेहा रांची से।